सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अगर हम सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव में बात करें तो दो मेजर अप्रोचेज हैं। ये किसी स्टैंडर्ड या मैंने किसी मीन्स के कोई स्टैंडर्ड या कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन या ये हेडिंग नहीं है, ये वाली डेवलप फर्स्ट देन सिक्योर। ये सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने इजी वर्डिंग में इसको ट्रांसलेट किया मीन्स के एक लेमैन लैंग्वेज में। वैसे ये कोई हार्ड एंड फास्ट कोई नेम्स नहीं है, लेकिन मैं दो अप्रोचेज आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि दो अप्रोचेज होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने की। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आप एज ए स्टूडेंट या एज ए असाइनमेंट इसको कर रहे हैं, एज ए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई आप कोड या प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आपकी मेजर अप्रोच क्या होती है? मोस्टली सिक्योरिटी को कंसिडर ही नहीं किया जाता, ठीक है। 80% लोगों की अप्रोच ये होती है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें और शशका वगैरह डाल के उसकी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स करके उसको कस्टमर को या प्रोजेक्ट को या असाइनमेंट को डिलीवर कर दिया जाए। उसके अंदर सिक्योरिटी का कोई पार्ट नहीं होता, उसके अंदर कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं होती, सिक्योरिटी की कोई कंसिडरेशन नहीं होती, सिक्योरिटी को किसी तरह भी खातिर में नहीं लाया जाता। लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जिन जो सीनियर फ्रीलांसर होते हैं, सीनियर डेवलपर्स होते हैं, जो सीनियर प्रोग्रामर्स होते हैं, या कुछ ऐसे जो मेच्योर सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जिन्होंने सिक्योर प्रोडक्ट्स डिलीवर करनी होती है, मीन्स के क्लाइंट की तरफ से जिनको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट आई हुई होती है, उनकी अप्रोचेज का हम जिक्र कर रहे हैं कि जो सिक्योरिटी को इन्वॉल्व करते हैं डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो पहली अप्रोच ये होती है कि पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करके एप्लीकेशन कंप्लीट करके डेवलप कर ली जाए, जिसको मैं कह रहा हूँ कि डेवलप फर्स्ट देन सिक्योर, ठीक है। आप उसको कंप्लीट कर लें, सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उसकी लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, साइन अप, फॉर एग्जाम्पल डैशबोर्ड, होम्स, होम स्क्रीन है आपकी, उसके अंदर प्रोफाइल का पेज है, अपॉइंटमेंट बुकिंग का पेज है, मतलब मीन्स कि जो जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी आपकी, आपने वो सारी पूरी कर दी, आपकी एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी वाइज डेवलप हो गई, फंक्शनैलिटी, कॉस्मेटिक सारी उसकी डेवलप हो गई। अब क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि इसको सिक्योर करना है, तो अब आपकी अप्रोच क्या होगी? क्योंकि आप कोड लिख चुके हैं ऑलरेडी सारा, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसकी अब सिक्योरिटी आप उसके अंदर कैसे इंश्योर करेंगे? तो जो पहली अप्रोच है वो ये है कि आपने एक एप्लीकेशन बना दी, अब आप इस एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। टेस्ट किस तरह करेंगे? जैसा देखें, आपने एक डेवलपमेंट की, उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस वाले होते हैं जो एप्लीकेशन को यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से और फंक्शनैलिटी के हिसाब से टेस्ट कर रहे होते हैं, उसकी क्वालिटी को इंश्योर कर देते हैं कि एप्लीकेशन क्रैश तो नहीं हो रही, रिस्पॉन्स टाइम कितना है, स्लो तो नहीं है, लैग तो नहीं कर रही कहीं पे, कहीं पे यूआई ख़राब तो नहीं हो रही, क्यूए वाले इस तरह की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी कोई क्यूए वाले कोई सिक्योरिटी के टेस्ट केसेस वगैरह नहीं कर रहे होते। लेकिन जो जिस टेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी टेस्टिंग की, वो ये होती है कि आप कोई एथिकल हैकर, कोई पेनिट्रेशन टेस्टर, कोई वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का कोई सॉफ्टवेयर, कोई इस तरह की चीज़ आप रन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर या अपनी अपनी वेब एप्लीकेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल जो अब कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने भी जिस वेंडर ऑर्गेनाइजेशन में पहले मैं जॉब करता था, अब उसमें क्या था कि हम सिक्योरिटी के वेंडर्स थे। तो जो क्लाइंट होता है वो एक एप्लीकेशन डेवलप कर लेता है या वो किसी और वेंडर या किसी सॉफ्टवेयर उससे एक प्रोडक्ट डेवलप करवा लेता है जिसकी एक्सपर्टीज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या एप्लीकेशन डेवलपमेंट में होती है। अब एप्लीकेशन जब कंप्लीट डेवलप हो जाती है तो उसके बाद फिर वो एक ऐसे वेंडर या ऐसे सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करते हैं जो सिक्योरिटी के वेंडर्स होते हैं, जो सिक्योरिटी में एक्सपर्ट्स होते हैं, जो सिक्योरिटी की सर्विसेज दे रहे थे, उनको कहते हैं भाई ये हमारी वेबसाइट है, आप इसको टेस्ट करें, ये हैक तो नहीं हो सकती। मीन्स कि अब वो उसका टेस्टिंग फेज चल रहा होता है, एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी वाइज सारी डेवलप हो चुकी होती है, फिर एक एथिकल हैकर या पेनिट्रेशन टेस्टर जो होता है, जो हैकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फर्म के अंदर काम कर रहा होता है, वो उस एप्लीकेशन को टेस्ट करता है। टेस्ट से मुराद ये नहीं कि वो उसको क्यूए की तरह टेस्ट कर रहा होता है, टेस्ट से मुराद ये होता है कि वो उसको हैक करने की कोशिश कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता बैकएंड पे कोड क्या लिखा हुआ है, उसको नहीं पता डेवलपर ने किन प्रैक्टिस से कोड लिखा है, उसको नहीं पता कि डेवलपर का एक्सपीरियंस कितना है, डेवलपर ने किस तरह से करके इस एप्लीकेशन को बनाया। तो ये चीज़ उसके लिए सारी ब्लैक बॉक्स होती है, मीन्स कि उसको नहीं पता होता कि भाई एप्लीकेशन के बैकएंड पे क्या है, इसके कोड के अंदर क्या है, डेवलपर ने क्या क्या किया। तो वो अपने अपने नॉलेज और अपने स्किल की बेस पे उस एप्लीकेशन को एक ब्लैक बॉक्स की तरह टेस्ट करने की कोशिश करता है कि ये एप्लीकेशन किसी तरीके से हैक तो नहीं हो सकती। अब वो जब उसकी टेस्टिंग करता है तो उसको इश्यूज़ मिलते हैं। इश्यूज़ वो कौन से आइडेंटिफाई करता है? वो ये इश्यूज़ नहीं निकालता कि जी यहाँ से यूआई ख़राब हो गई,
यहाँ पे बटन लोड नहीं हुआ, यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम स्लो है, वो इश्यूज़ जो आइडेंटिफाई करता है वो सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं। सिक्योरिटी के इश्यूज़ का मतलब ये कि कोई वल्नरेबिलिटीज होती हैं, सॉफ्टवेयर के बग्स होते हैं, सिक्योरिटी बग्स, जिनके थ्रू एप्लीकेशन या सर्वर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, जिसके थ्रू अटैकर जो है वो एप्लीकेशन को ख़राब कर सकता है या उसका एक्सेस ले सकता है। ठीक है, तो वो उस तरह के इश्यूज़ आइडेंटिफाई करता है और डेवलपर को या डेवलपमेंट टीम को या ऑर्गेनाइजेशन को एक रिपोर्ट देता है कि ये रिपोर्ट है, ये मैंने इस तरह से टेस्ट किया था, ये मेरी अप्रोच थी और मुझे ये इश्यूज़ आइडेंटिफाई हुआ है जिसके थ्रू ये एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। अब जब वो इश्यूज़ आइडेंटिफाई हो गए और डेवलपर को या उस कंपनी को जिसने आपको हायर किया था उसको आपने बता दिया कि ये इश्यूज़ हैं जो आपको आइडेंटिफाई हुए हैं, अब वो उन इश्यूज़ को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉगिन में आपने बताया कि जी लॉगिन फॉर्म के ऊपर सीक्वल इंजेक्शन है, अच्छा सर्च फील्ड के ऊपर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, फलां पेज के ऊपर जो है वो लोकल फाइल इंक्लूजन की वल्नरेबिलिटी एंड सो ऑन, आपने इस तरह की वल्नरेबिलिटीज उसको बताई कि इस पेज के अंदर ये वल्नरेबिलिटी है। डेवलपर ने फिर उसको फिक्स करना शुरू कर दिया। अब देखें, ये एक डबल एफर्ट हो रही है। डबल एफर्ट किस तरह से कि पहले उसने अपनी कंप्लीट एफर्ट पुट की एप्लीकेशन की डेवलपमेंट कंप्लीट करने में, उसकी सारी फंक्शनैलिटी उसने कंप्लीट की, लेकिन अब टेस्टिंग के बाद कुछ इश्यूज ऐसे निकले जिनको फिक्स करना लाजमी है। अब वो उनको फिक्स करने के लिए कोड के अंदर फिर से चेंजेस कर रहा है, कुछ कुछ कोड नया बना रहा है, कुछ पुराना यूज़ कर रहा है, मीन्स कि वो कोड को मॉडिफाई करके अपना वल्नरेबिलिटीज को फिक्स कर रहा है। अब देखिए, वो वल्नरेबिलिटीज फिक्स किसी टेप वगैरह से तो नहीं कर रहा, वो अब जो उसने कोड लिखा हुआ था वो उसी कोड को फिक्स कर रहा है, मीन्स कि उसने कोड ठीक नहीं लिखा हुआ था, अब वो कोड को ठीक कर रहा है। ठीक है, तो वो एक दोबारा से एक नई आइटरेशन रन कर रहा है। ये तरीका बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? प्लस पॉइंट इसका ये है कि आपको एक एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट एक जीरो माइंडसेट के साथ पता चल जाती है कि फॉर एग्जांपल एक ऐसे बंदे ने आपकी एप्लीकेशन टेस्ट की है जिसके पास ऑफेंसिव सिक्योरिटी का नॉलेज है और उसको नहीं पता कि डेवलपर ने किस अप्रोच के थ्रू ये किस किस अप्रोच या किस मेथडोलॉजी से ये इसका बैकएंड कोड लिखा है और ये एप्लीकेशन किस तरह से डेवलप की है। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा एप्लीकेशन को अगर एक अटैकर या एक एक्सटर्नल बंदा हैक करने की कोशिश करेगा तो उसको ये इश्यूज मिलेंगे। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा जो ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई वल्नरेबिलिटी मिस हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोड सिक्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, 8-10 पेजेस थे, 8-10 पेजेस के अंदर उसने 8 पे वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई की, 2 में उसको टाइम नहीं मिला या उस लिमिटेड टाइम में वो जो पेन टेस्टर था वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सका या वो मिस कर गया किसी भी वजह से, स्किल की वजह से, टाइम की वजह से, वैसे मिस हो गई, किसी अजम्पशन की वजह से मिस कर दी, तो देर इज़ अ चांस कि कोई वल्नरेबिलिटी उसने मिस कर दी हो। जो अब जाहिर सी बात है, जब एक वल्नरेबिलिटी मिस हो गई है तो वो डेवलपर फिक्स भी नहीं करेगा क्योंकि आपने उसको रिपोर्ट ही नहीं की, वो आइडेंटिफाई नहीं हुई। लेकिन ज़्यादा चांस, फिर भी चांस ये रहता है कि कोई, हो सकता है किसी अटैकर या किसी हैकर के पास ये वल्नरेबिलिटी उसके हाथ लग जाए और वो उसको एक्सप्लॉइट कर। ठीक है, मीन्स कि उसके अंदर आपके पास फिर भी एक रूम रह जाता है कि आप इनसिक्योर रहती है। ठीक है, ये पहली अप्रोच है, डेवलप फर्स्ट देन सिक्योर। इसमें आप पहले डेवलपमेंट करते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी के मेजर्स लेते हैं, टेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद उनकी फिक्सिंग के लिए आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। दूसरी अप्रोच क्या है? सिक्योर फर्स्ट देन डेवलप। सिक्योर फर्स्ट देन डेवलप में क्या है कि आप एप्लीकेशन जब बनी नहीं है तो उसको पहले कैसे सिक्योर कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन आता है ना जहन में कि पहले कैसे सिक्योर कर लेंगे जब बनी नहीं। इसका मतलब यह है कि जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो भी प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल का प्रोसेस अडॉप्ट किया हुआ है, उसके अंदर सिक्योरिटी की आपने कोई मीन्स कि सिक्योरिटी को कंसिडर किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि जी लॉगिन फॉर्म बनाना है, अब आप लॉगिन फॉर्म के अंदर बस उसकी फंक्शनैलिटी पूरी तो आप करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्या आपने साथ ये सोचा है कि जी ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ इसका कोड कहीं यूजर ने पासवर्ड कहीं मैं हार्ड कोड ना कर दूँ, इसके अंदर सेशन प्रॉपरली जनरेट हो, सेशन टोकन जो है वो रैंडम हो, इसके अंदर ऑथेंटिकेशन के सारे चेक्स हों, लॉग इन फॉर्म के ऊपर सीक्वल इंजेक्शन ना हो, लॉग इन के ऊपर जो आपने पेज बनाया अगर आप लॉग इन के बाद वाला पेज डायरेक्टली कॉल करते हैं तो वो एक्सेसिबल ना हो, टोकन ऑथेंटिकेशन ना हो, मीन्स कि ये चीज़ें आपने ड्यूरिंग डेवलपमेंट कंसिडर करनी है, डेवलपमेंट से भी पहले कि अच्छा लॉगिन फॉर्म बनाना है, लॉगिन फॉर्म बनाना है तो इट मीन्स कि ये चीज़ें, ये सिक्योरिटी इश्यूज लॉगिन फॉर्म पे हो सकते हैं क्योंकि आप सीक्वल भी यूज़ करें, बैकेंड पे क्वेरी भी चलेगी तो चांस है कि वहाँ पे सीक्वल इंजेक्शन भी हो सकता है।
सेशन भी आपने यूज़ करने हैं तो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन ना हो, सेशन हाईजैकिंग ना हो, सेशन फिक्सेशन ना हो, ये वल्नरेबिलिटीज़ आपको पता होंगी तो आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे ना कोड के अंदर। लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा लॉग इन फॉर्म बनाना है, इसका मतलब है लॉग इन फॉर्म के साथ जो एसोसिएटेड सिक्योरिटी है साथ साथ वो भी डेवलप करनी है। कोड लिख तो रहे, लिखना तो है ही, तो एक ही दफ़ा ऐसे तरीके से कोड लिखें कि वो सिक्योर है। अगर कोई टेस्टर उसको टेस्ट भी करता है तो उसको वहाँ से कोई इशू मिले ही ना, क्योंकि आपने जो कोड बाद में सिक्योर करना था वो आपने पहले कर लिया, क्योंकि आपने लिखा ही कोड ऐसे तरीके से कि उसके अंदर वल्नरेबिलिटी नहीं आती। तो ये अप्रोच ज़्यादा फिजिबल है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके अंदर कोई चीज़ मिस नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप हर चीज़ के अंदर हर डेवलपमेंट परस्पेक्टिव के साथ साथ आप सिक्योरिटी को कंसिडर कर लेते हैं। आप जो भी फंक्शनैलिटी, जो भी फॉर्म, जो भी इनपुट फील्ड बनाते हैं, आप उसके साथ वैलिडेशन और वो सारी चीज़ें आप साथ साथ परफॉर्म करते रहते हैं, ताकि बाद में इसको कोई QA या डेवलपर सिक्योरिटी का बंदा आपको बताया कि भाई इसके अंदर ये इशूज़ हैं, फिर बेइज्जती भी करवाएं, डिसअपॉइंटमेंट भी हो, और उसके बाद फिर उन चीज़ों को आपने वापस फिक्स करना भी हो। मीन्स कि जब एक दफ़ा कोड लिखना ही है सिक्योर करके तो पहले लिख लें। तो ये अप्रोच ज़्यादा फिजिबल रहती है टाइमलाइन को भी मीट करने के लिए और सिक्योर प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए भी। पहली वाली में टाइमलाइन तो आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है कि आपने टाइम पे प्रोडक्ट डिलीवर कर दी, लेकिन प्रोडक्ट डिलीवर करने के बाद जब फिर सिक्योरिटी का बंदा 8-10 दिन लेगा, वो उस एप्लीकेशन को टेस्ट करेगा, उसके बाद आप फिक्सिंग के ऊपर 8-10 दिन लगाएंगे, तो 20 दिन तो आपने उसके ऊपर ऐसे ज़ाया कर दिए, डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन टाइम बढ़ भी सकता है। तो बजाय इसके कि आप एक्स्ट्रा टाइम लगाएं, आप जब कोड लिख रहे हैं उसी टाइम उसको सिक्योर तरीके से लिखें ताकि आपकी टाइमलाइंस प्रॉपर मीट हो। तो एक्चुअल में ऊपर वाले में हमें सिर्फ ये लग रहा होता है कि टाइमलाइंस मीट हो रही हैं जो पहली अप्रोच है, लेकिन उसके अंदर वो टाइमलाइन एक्सटेंड हो जाती है। इसके अंदर आप अगर प्रॉपर तरीके से कोड लिखेंगे तो आपको नौबत नहीं पड़ेगी कि दोबारा टेस्टर की साइकिल चलाने के बाद आप उसको दोबारा से फिक्स करें, तो आपकी एप्लीकेशन एक रनिंग फॉर्म में होगी।